हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखें एसएससी जीडी रीजनिंग 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ट्रेन वाले क्वेश्चन है, तो ट्रेन वाला एक ना एक क्वेश्चन इससे आप कंपटीशन एग्जाम में आता है। और अब किस तरह का आपकी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए ये तो आपकी एग्जाम ही बताएगी, लेकिन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेनें दिल्ली से अजमेर के लिए शाम 6 बजे, एक ट्रेन कितने बजे शाम 6 बजे और दूसरी 6:30 बजे चलती है ना। पहले ट्रेन कितनी बजे 6 बजे चलती है शाम को और दूसरी ट्रेन चलती है 6:30 पर चलती है, तो चाल है क्रमशः इनकी क्या होगी। पहली चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर जाके दोनों मिलेगी, कितनी दूरी पर जाके दोनों मिलेगी। चार ऑप्शन आपके सामने ही रहे, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है देखिए। देखिए दो ट्रेन है, कहाँ से चल रही है, एक निश्चित स्थान से दिल्ली, मतलब कहाँ से चल रही है दिल्ली से, और कहाँ जा रही है अजमेर, अजमेर की ओर जा रही है ना। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि जो पहली जो ट्रेन चली यानी कि ए वाली जो ट्रेन चली है वो कितने बजे चली, शाम को 6 बजे चली, कितने बजे चली 6 बजे। और दूसरी जो ट्रेन चल रही बी वाली वो कितने बजे चली 6:30 बजे है ना, 6:30 पे चलेगी वो जो, ये तो 6 बजे चली और 6:30 पे चलेगी, दूसरी कब चलेगी 6:30 पे चलेगी, ठीक है ना। दोनों एक साथ तो चली नहीं, पहली ट्रेन तो 6 बजे चली और दूसरी चली 6:30 पे चली, यानी कि आधे घंटे बाद चली। तो आधे घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी, ये भी तो कुछ तो आगे बढ़ी होगी, आधा घंटा चली तो आधा घंटा में कितनी तो आगे बढ़ी होगी है ना। दिल्ली और अजमेर के रूट पे कुछ तो आगे बढ़ी होगी, तो कितनी आगे बढ़ी वो देखना है ना। तो इसकी चाल कितनी है देखिए, पहले वाले की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी चाल है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, किलोमीटर प्रति आवर। तो एक घंटे में 60 किलोमीटर चली, तो आधे घंटे में यानी कि 1/2, तो आधे घंटे में कितनी चली 30, कितनी चली यानी कि ये 30 किलोमीटर तक यहाँ पे आ गई, कितनी दूरी तक चल गई 30 किलोमीटर तो चल गई, उसके बाद ये ट्रेन रवाना हुई। अब इसकी चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी है 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो अपनों को क्या निकालना दोस्तों यहाँ पे, समय क्या निकालना है, पहले समय निकालना पड़ेगा, कितने समय में वो गाड़ी आगे जाके मिलेगी, समय निकालना पड़ेगा यानी कि कितने समय में ये इस दूरी को पार कर लेगी। तो दूरी कितनी है दोस्तों, यही दूरी पार करनी है 30 किलोमीटर की, तभी तो बराबर हो जाएगी। गाड़ियाँ ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, लेकिन इनके बीच फासला कितना हो गया 30 किलोमीटर का। तो ये 30/2 और समय चाल में कितना डिफरेंस है दोस्तों, इसकी 60 और इसकी 75 है, तो चाल में डिफरेंस है दोस्तों 15 का है ना। तो 15 से काटा, 15 × 2 = 30, यानी कि दो घंटे में वो ट्रेन उसको पकड़ लेगी, कितने घंटे पकड़ लेगी 2 घंटे में उसको पकड़ लेगी। अब इसने ये नहीं समय नहीं पूछा, इसने क्या पूछा कितनी दूरी पर पकड़ेगी, कितनी दूरी पर मिलेगी। तो अब आपको निकालना है दूरी, क्या निकालना है दोस्तों, दूरी निकालना है, समय तो आपके पास हो गया, तो दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल, चाल इंटू समय, तो समय तो अपने पास आ गया 2 घंटे। अब चाल, तो उस गाड़ी की चाल कौन सी, जो दूसरी ट्रेन है ये वाली ट्रेन पकड़ेगी, तो इसकी चाल कितनी है 75 है, तो 75 दूनी होगा दोस्तों 150 किलोमीटर पर, 150 किलोमीटर जाने के बाद उसको पकड़ लेगी। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, 100 किलोमीटर चलने के बाद उसको पकड़ लेगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दो स्टेशन इंदौर और रतलाम के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, इनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है, और दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका इंदौर है और यहाँ पे रतलाम है,
ठीक है। अब यहाँ से इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलती है, एक ट्रेन तो यहाँ से चलती है और दूसरी ट्रेन यहाँ से इधर चलती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। अब आगे देखिए और क्या कहता है, एक ट्रेन इंदौर से प्रातः 10 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी ट्रेन रतलाम से इंदौर की ओर उसी समय, ये भी रतलाम से इंदौर की ओर उसी समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये भी दोनों एक ही समय पे यहाँ से रवाना होती है, ये भी यहाँ से चलती है और ये भी यहाँ से चलती है विपरीत दिशा में। दोनों किस दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में दोनों एक साथ चलती है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका 100 हो गया है ना, 100 किलोमीटर तो उसकी दूरी हो गई। अब दोनों विपरीत दिशा में चलेगी तो इनकी चाल क्या होगी, जुड़ेगी, इनकी चाल क्या होगी, जुड़ेगी, ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में। तो इसकी चाल कितनी है, 20 और इसकी कितनी है, 30 और 20 और 30 कितना हो गया, 50 और 50 से कट जाएगा, 50 × 100 यानी कितना आ गया, 2 घंटे, कितना आ गया, 2 घंटे का समय हो गया, कितना समय हो गया, 2 घंटे। अब ये कह रहा है कितने समय बाद दोनों मिलेगी, कितने समय बाद दोनों मिलेगी। अब चली कितने बजे दोस्तों, ये 10 बजे चली, कितने बजे चली, 10 बजे चली और 10 में 2 घंटे का समय लगा, 10 यानी 2 कितना हो, 10 और 2 कितना हो गया, 12 बजे, 12 बजे दोनों मिलेगी, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। 12 बजे ट्रेनें मिल जाएगी तो अपना ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।